Thank you. Thank you. ना सिर्फ एक हमारे ईरानी भाइयों और बहनों के लिए एक दुख की बात है और उनकी सिर्फ उनका लॉस नहीं पूरी इस्लामी मुमलिकत का लॉस है, हमारे लिए तो खास तौर पे ज्यादा दुख इसलिए हुआ कि एक महीना पहले, अभी एक महीना भी नहीं हुआ, डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी साहब अपनी एक बहुत बड़ी डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान आए और कराची भी तशरीफ लाए, उन्होंने इज्जत बख्शी और बहुत अरसे बाद कराची में कोई सरबराह मुमलिकत आए थे, हमारे लिए बहुत ही इज्जत की बात थी और मेरे लिए खास तौर पे कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर हाउस को चुना, वहां पे उन्होंने लोगों से खिताब भी किया, वो खिताब आज भी सबके कानों में गूंजता है जिस तरीके से उन्होंने अपना मौकफ सामने रखा था। उसके बाद मैंने कल असेंबली में भी जिक्र किया था कि वो नहायत थके हुए थे और उनके अमले ने हमसे कहा कि जी वो खाने पे शायद ना बैठे या बैठेंगे तो थोड़ी देर बैठेंगे, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ पूरा वक्त बैठे और खाने को एंजॉय किया, फिर अगले दिन सुबह हम उन्हें छोड़ने गए, कुछ घंटे थे लेकिन वो एक लास्टिंग इम्पैक्ट मेरे जिंदगी में जरूर उन्होंने दे दिया। मैं अपनी तरफ से, हुकूमत सिंध की तरफ से, सिंध के लोगों की तरफ से अपने ईरानी भाइयों और बहनों का, हुकूमत ईरान का, उनकी फैमिली का जिक्र करना चाहता हूँ कि हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। इंशाल्लाह ताला उनका जो मिशन था, मुझे पूरी उम्मीद है कि हुकूमत ईरान, उनके जो सक्सेसर आएंगे, जो 28 जून को इलेक्शन होगी उसके बाद सुप्रीम लीडर ईरान के, उनकी सरबराही में उस मिशन को आगे बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान के लोग भी वो जो एक इस्लामी मुमलिकत और इस्लामी सरबरा कॉन्फ्रेंस जिसका शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने उस इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का किया था और जिस तरीके से उन्होंने इस्लामी दुनिया को इकट्ठा किया था, इंशाल्लाह ताला इस काम में आगे, ना सिर्फ एक हमारे ईरानी भाइयों और बहनों के लिए एक दुख की बात है और उनकी सिर्फ उनका लॉस नहीं पूरी इस्लामी मुमलिकत का लॉस है, हमारे लिए तो खास तौर पे ज्यादा दुख इसलिए हुआ कि एक महीना पहले, अभी एक महीना भी नहीं हुआ, डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी साहब अपनी एक बहुत बड़ी डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान आए और कराची भी तशरीफ लाए, उन्होंने इज्जत बख्शी और बहुत अरसे बाद कराची में कोई सरबराह मुमलिकत आए थे, हमारे लिए बहुत ही इज्जत की बात थी और मेरे लिए खास तौर पे कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर हाउस को चुना, वहां पे उन्होंने लोगों से खिताब भी किया, वो खिताब आज भी सबके कानों में गूंजता है जिस तरीके से उन्होंने अपना मौकफ सामने रखा था। उसके बाद मैंने कल असेंबली में भी जिक्र किया था कि वो नहायत थके हुए थे और उनके अमले ने हमसे कहा कि जी वो खाने पे शायद ना बैठे या बैठेंगे तो थोड़ी देर बैठेंगे, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ पूरा वक्त बैठे और खाने को एंजॉय किया, फिर अगले दिन सुबह हम उन्हें छोड़ने गए, कुछ घंटे थे लेकिन वो एक लास्टिंग इम्पैक्ट मेरे
زندگی میں ضرور انہوں نے دے دیا. میں اپنی طرف سے, حکومت سندھ کی طرف سے, سندھ کے لوگوں کی طرف سے, اپنے ایرانی بھائیوں اور بہنوں کا, حکومت ایران کا, ان کی فیملی کا ذکر میں چاہتا ہوں کہ ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. انشاءاللہ تعالی ان کا جو مشن تھا, مجھے پوری امید ہے کہ حکومت ایران, ان کے جو سکسیسر آئیں گے, جو 28 جون کو الیکشن ہوگی, اس کے بعد سپریم لیڈر ایران کے ان کی سربراہی میں اس مشن کو آگے بڑھائیں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کے لوگ بھی وہ جو ایک اسلامی مملکت اور اسلامی سربراہ کانفرنس جس کا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اسی اسلامی سربراہ کانفرنس کا کیا تھا, اور جس طریقے سے انہوں نے اسلامی دنیا کو اکٹھا کیا تھا, انشاءاللہ تعالی ہم اس کام میں آگے